टीम इंडिया के इन पांच प्लेयरों को तत्काल प्रभाव से हटाओगे तभी आगे जीत पाओगे। इन पांच सुस्त खिलाड़ियों को नहीं हटाओगे तो बार बार यूं ही बेइज्जती करवाओगे। बीसीसीआई को सख्त फैसला उठाना ही पड़ेगा, इन गुनहगारों को हटाना ही पड़ेगा। जी और कितनी बेइज्जती करवानी है, करवा के मन नहीं भरा होगा शायद। अगर और बेइज्जती आगे नहीं करवानी है तो इन पांच प्लेयरों को T20 क्रिकेट से संन्यास दिलवाना पड़ेगा या तो टीम से हटाना पड़ेगा। ये वो पांच गुनहगार हैं जिनकी वजह से हम ये T20 विश्व कप हार गए। अगर इन पांच में से किसी एक ने भी परफॉर्म कर दिया होता तो शायद टीम इंडिया ये विश्व कप नहीं हारती। लेकिन अब वक्त आ गया है कि बीसीसीआई को सख्त फैसला उठाना ही पड़ेगा, इन पांच को टीम इंडिया से हटाना ही पड़ेगा। अगर T20 फॉर्मेट से इन खिलाड़ियों को नहीं हटाया गया तो हम यूं ही हारते जाएंगे, बड़े बड़े ICC इवेंट में शर्मसार अपने आप को करवाते जाएंगे। तो ये कौन कौन से पांच खिलाड़ी हैं, एक एक करके आपको इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हैं आर अश्विन। टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन पिछले कुछ सालों से T20 क्रिकेट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहे। पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप में और इस साल हुए एशिया कप में भी अश्विन टीम का हिस्सा जरूर थे, लेकिन ना तो उनकी गेंदबाजी में वो धार थी और ना ही T20 जैसा प्रदर्शन। 36 साल के हो चुके रविचंद्रन अश्विन ने इस T20 वर्ल्ड कप में कोई तीर नहीं मारा और उनके घटिया प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को हार गई। इसलिए सबसे पहले तो अश्विन को हटाना होगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम है भुवनेश्वर कुमार का। टीम इंडिया के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर कुमार आज हर ओवर में रन खाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से मार खाई है उसने साबित कर दिया है कि भुवनेश्वर कुमार के अंदर की धार खत्म हो गई है। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर कुमार ने ऐसे ही मार खाई है और टीम इंडिया के लिए शर्मसार करने वाला प्रदर्शन किया है। 32 साल की उम्र में वो टीम इंडिया का हिस्सा जरूर है, लेकिन कई युवा गेंदबाज उनकी जगह टीम इंडिया में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें दीपक चाहर जैसे गेंदबाज सबसे आगे हैं। इसलिए भुवनेश्वर कुमार को हटाना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है तीसरा नाम इस लिस्ट में, दिनेश कार्तिक का। 2004 में टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले दिनेश कार्तिक को भी अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अगर वो जाएंगे नहीं तो संजू सैमसन, ईशान किशन जैसे युवा खिलाड़ी आएंगे कैसे। दिनेश कार्तिक ने इस T20 वर्ल्ड कप में जो चार मौके मिले थे उसमें कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। 37 साल के दिनेश कार्तिक को अब T20 फॉर्मेट से हटाना ही पड़ेगा। अगर हम उनको नहीं हटाएंगे तो संजू सैमसन, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी कैसे आएंगे। दिनेश कार्तिक के बाद इस लिस्ट में नाम आता है कप्तान रोहित शर्मा का। जी, जब से रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की कमान संभाली है तब से उनका खुद का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। वो रन बनाने के लगातार स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। हेडमैन के बल्ले से लंबी पारियां आना ही खत्म हो गई हैं। पिछले कई महीनों से उनका बल्ला खामोश रहा है। इस T20 वर्ल्ड कप में भी उनका बल्ला कुछ नहीं बोल पाया। बड़ी टीमों के खिलाफ लगातार वो फ्लॉप होते चले गए। इस वजह से रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अगर वो T20 फॉर्मेट खेलते रहेंगे तो टीम इंडिया को यूं ही हरवाते रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि वो T20 फॉर्मेट छोड़ें, टेस्ट और वनडे में इंडिया की कप्तानी करते रहें और T20 फॉर्मेट की कप्तानी हार्दिक पांड्या को सौंप दें। और इसमें आखिरी नाम है KL राहुल का। KL राहुल भी अब T20 क्रैक खिलाड़ी नहीं बचे। उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए। इस T20 वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से सिर्फ 2.50 से निकले, वो भी हल्की टीमों के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद उनका पूरा स्ट्राइक रेट 120 के आसपास के रहा। वो T20 फॉर्मेट जिसमें विरोधी टीम के खिलाड़ी 180, 170 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, वहाँ KL राहुल बिल्कुल फिट नहीं बैठते। वो ओपनिंग करने जाते हैं, 40 गेंद खेलकर 45 बनाते हैं, 120 का स्ट्राइक रेट रहता है। इस वजह से टीम इंडिया पर लगातार प्रेशर आ जाता है और बड़े मैचों में तो वैसे भी KL राहुल चलते नहीं। इसलिए वक्त आ गया है कि KL राहुल को T20 फॉर्मेट से अलविदा कह देना चाहिए। यकीन मानिए, इन पांच खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से अलविदा नहीं कहा गया तो हम यूं ही शर्मसार होते जाएंगे, एक के बाद एक वर्ल्ड कप हारते जाएंगे। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए।